आज क्या कार्यक्रम आपके यहाँ? राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत आज यहाँ फैजाबाद के तमाम मुस्लिम भाइयों ने हमारे निवास पर आकर राम मंदिर निर्माण के लिए 5100 रुपए का योगदान किया है। इन लोगों का ये भी कहना है कि आगे चल के मंदिर निर्माण में हम लोग और पूरी तरह से भागीदार होंगे, जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग तन मन धन से उसके लिए तैयार हैं। कितने लोग थे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आपके साथ? आज करीब यहाँ पर 30 आदमी आए थे, यहाँ पर 30 से 35 लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने समर्पण अभियान में हिस्सा लिया है। इसमें क्या महिलाएं, हिंदू? इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। मुस्लिम महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। अच्छा, कितना दिया है इन्होंने? मैंने बताया कि 5100 रुपए का योगदान आज इनकी तरफ से यहाँ पर आया है, और आगे भी इन्होंने और योगदान करने की बात कही है कि अपने समाज में और भी लोग जो एकत्र करके जो भी आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए तन मन धन से तैयार है लोग। अच्छा, क्या जो मुस्लिम समाज है जिस तरीके से राम मंदिर के लिए दान दे रहा है, ये एक नज़ीर अयोध्या के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, देश के लिए है कि ये जो भाईचारा का जो हम लोग बात करते हैं उसके लिए एक मिसाल है? ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। जैसे एक शेर मुझको याद आ रहा है ऐसे मौके पर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। राम मंदिर के लिए हर वर्ग के लोग जिस तरह से आगे आए हैं मंदिर निर्माण के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक, थैंक यू। पूछोगे तभी सीखोगे। भगवान राम हम सब के हैं। इधर देखिए सामने, भगवान राम ऊपर हम सब के हैं। हाजी साहब, राम मंदिर हम सब का है और राम मंदिर बनने में हम सभी मुसलमान सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सहयोग करेंगे। बाबर और मुग़ल ने जो यहाँ किया वो ठीक नहीं किया। राम जी की मिसाल है, राम जी की मिसाल है जो उन्होंने दुनिया में एक सबक दिया, वो काबिले तारीफ हैं। बाबर और ये तुम्हारे मुग़ल, ये आवाम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, ये काबिले तारीफ के लायक नहीं। राम जी हमारे हिंदुस्तान के थे, हम भी हिंदुस्तानी हैं। राम जी हमारे हिंदुस्तान के थे, हम भी हिंदुस्तानी हैं। हम लोग राम जी के वंश हैं, हम लोग आपस में एक ही हैं, एक ही नस्ल के हैं। हम लोग कोई इराक, ईरान और तुर्की से नहीं आए, हम लोग हिंदुस्तान के हैं। हिंदू हमारे भाई हैं, जैसे हम सगे भाई हैं वैसे हमारे हिंदू सगे भाई हैं। सतीक सिंह भी हमारे बड़े भाई हैं। क्या भगवान राम को नबी रूप में देखते हैं आप? भगवान राम हमारे बहुत यहाँ के पूर्वज हैं हमारे, हम उनको सम्मान करते हैं, हमारे वो नबी जैसे हैं यहाँ के। और भगवान राम हमारे बहुत कुछ हैं, और ये जो ये बाबर और ये जो मुग़ल आए यहाँ पे, वो लोगों ने सब माहौल को ख़राब किया। राम जी ने हमारे बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में राम मंदिर का सहयोग कर रहे हैं। हम सभी मुसलमान आज 50 की तादाद में यहाँ आए और सब लोगों ने, कोई 1100, कोई 2100, कोई 500, कोई 100, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और भी मुसलमान भी यहाँ शक्ति सिंह के यहाँ पे आएंगे और शक्ति सिंह जी यहाँ पे उनके नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे और राम मंदिर का सहयोग करेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हाजी सईद अहमद, मुस्लिम राष्ट्र महानगर संयोजक। ठीक, और आपने किस तरीके का सहयोग किसके लिए किया है? देखिए, मेरा नाम शबाना बेगम है और आज हम लोग ने यहाँ पे जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए जो धन जमा किया जा रहा है उसमें सहयोग किया है। और हम सभी चाहते हैं कि देश में जो है फसाद को ख़त्म किया जाए और अमन कायम हो, और जिन लोगों ने हिंदुस्तान में आकर गलती की है उसको सुधारा जाए। किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, किसी का हक मारना और किसी को परेशान करना नहीं सिखाया जाता है। और क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर सैयद हाफिज हूँ, चेयरमैन SMI डिग्री कॉलेज, और मैं आज अपने मित्र अनिल सिंह के आह्वान पे यहाँ आया हुआ हूँ। आज हमको बड़ी खुशी है कि हमने जो है अनिल सिंह के नेतृत्व में आज इस पुण्य काम में चंदा देने का काम किया है।
हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों से, अल्पसंख्यक लोगों से और सब समाज के लोगों से एक अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग सामने आएँ, खुल के सामने आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगदान करके मंदिर, भव्य मंदिर को बनवाने का पूर्ण काम करें, महान काम करें। मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान चल रहा है, इसके तहत आप मुस्लिम भाइयों ने कितना बढ़ चढ़ के आज आपने धनराशि दे करके कूपन कटाया है और इसके लिए क्या आपकी पहल रहेगी? आज हमने 31,000 एक कूपन कटाया है, 5,000 का एक कटाया है और अभी 2100 रुपये का एक और कटाने जा रहा है। इसके लिए क्या आपके यहाँ पहल रहेगी जो और मुस्लिम भाई इसमें बढ़ चढ़ कर भाग? सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, सभी लोग को बड़ी खुशी है और सब लोग सभी देखिए सभी लोग ये जानते हैं कि धर्म सबको अच्छे राह पे चलने सिखाता है, सभी लोग मिलके रहेंगे। देख केवल ये कहने की बात है, किताबी बात है, सभी समाज के लोग आप भी जानते होंगे समाज में ही रहते हैं, सब लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं ब्याह शादी में और समाज में पूरा सरमंजर बना हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि जो है सब लोग मिलजुल के ही रह रहे हैं और सभी भगवान राम और अल्लाह सब लोग एक ही हैं। बस सभी धर्म ये सिखाता है कि अच्छा काम करिए और अच्छे राह पे चलिए। आज सभी पूरे समाज को, पूरे देश के लोगों को ये बड़ी खुशी है कि हमारे देश में इतना भव्य मंदिर बन रहा है जिससे सभी लोग आने वाली पीढ़ियों को, जिससे जो है पूर्ण का काम होता रहेगा। जो